अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डायटिशियन आयशा नासर और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिफ जो कि जीसी फैसलाबाद के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 9 वीक्स के अंदर 26 किलो वज़न कम किया। और इसमें एक डिफरेंट बात यह है कि ये मेरे क्लाइंट नहीं हैं, मतलब आज से पहले कोई 5 या 6 टेस्टिमोनियल आए और वो सारे के सारे वो लोग थे जो मेरे क्लाइंट थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी ने हमें अप्रोच किया कि उन्होंने वेट रिड्यूस किया है 26 किलो 9 वीक्स के अंदर और वो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे अभी तक ये नहीं पता इनका डाइट प्लान क्या था क्या नहीं। मुझे जो पता है वो ये कि इनका नाम है मोहम्मद आसिफ, एज है इनकी 22 साल, स्टूडेंट हैं ये जीसी फैसलाबाद में। और बाकी इनसे हम पूछेंगे कि क्या मोटिवेशन थी वेट, जब इन्होंने वेट लॉस स्टार्ट किया तो कह रहे हैं कि इनका वेट 100+ था, अभी 74-75 के करीब है, कैसे वेट रिड्यूस किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, वो अभी मैं भी फर्स्ट टाइम ही सुनने वाली हूँ। तो चले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आसिफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आसिफ, थोड़ा सा पहले हमें ये बताइए क्यों वज़न कम किया आपने? मैम इसके जो पीछे का वैसे तो काफ़ी सारी मोटिवेशनल चीज़ें हैं, स्टोरियां हैं सब, क्योंकि सबसे पहले आपको मोटिवेशन ही चाहिए होती है। ऐसे ही है। तो जो इंटरेस्टिंग मैं आपको एक बताना चाहूँगा वो ये है कि एक दफ़ा मेरी आपी हैं तो उन्होंने मेरी पिक लगाई, मुझे स्कॉलरशिप मिला तो यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उन्होंने मेरी पिक लगाई और मुझे जो है ना उन्होंने वहाँ पर मतलब बताना चाहा लोगों को कि भाई क्या वो है। तो उनकी एक नई दोस्त हैं तो उन्होंने पूछा कि भाई को स्कॉलरशिप मिला है? जी बिल्कुल। अच्छा भाई की शादी हो गई है? नहीं। अच्छा भाई लगते तो तकरीबन 2-3 बच्चों के बाप हैं। तो ये जो है मोटिवेशन स्टोरी थी सबसे, जो मैं कहता हूँ सबसे मेन जो थी, तो ये मतलब मेन थी मेरे लिए। और भी हैं काफ़ी सारी, मतलब एज का ज़्यादा नज़र आना तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है चैलेंज था, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता था दोस्त थे उनके साथ जाता तो वो मतलब मुझे उनके दरमियान में, या वो नहीं समझते थे कि ये इनके जो क्लास फेलो हैं ये एक ही क्लास में हैं, क्योंकि वो ज़रा छोटे नज़र आते और मेरी एज ज़रा बड़ी नज़र आती थी। बिल्कुल। तो ये मोटिवेशन स्टोरी है, मेन ये है। तो किसी डाइटिशियन के साथ आपने वेट रिड्यूस किया या खुद से अपना डाइट प्लान बनाया? मैम कोई पर्टिकुलर डाइटिशियन तो मैंने नहीं किसी को फॉलो किया या किसी के पास गया मैं, बस खुद से ही मैंने किया, क्योंकि मतलब पहले जैसे यूनिवर्सिटी का माहौल होता है, हॉस्टलाइज थे हम लोग तो उसमें ये होता है कि आप बर्गर खा रहे हैं, शवारमे खा रहे हैं, तो बस उनको कंट्रोल किया है मैंने। और उसके बाद जो है एक प्रॉपर डाइट अपनाई मैंने। और उसके बाद जो मेन चीज़ है कि आप जो यूट्यूब पे बताती रहती हैं नुस्खे मुख्तलिफ, तो उसमें जो है उनको उसमें से कुछ पिक किए थे वो मतलब लेता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ज़रा हमें डाइट प्लान अपना सुना दें। मैम डाइट प्लान ये था कि सुबह जैसे उठ के निहार मुँह, मतलब मैं पानी पीता था तुख्म लंगा और उसमें एक लेमन और उसमें इस्पावल, ठीक तो है। उसके बाद आधे घंटे बाद जो है मैं 2 अंडे और उसके बाद जो है मैम पूरा दिन कुछ नहीं, और 12 बजे आके तकरीबन सैलड ले रहा था मैं। सैलड में क्या होता था? सैलड में ये ज़्यादातर खीरा, तकरीबन 2 से 3, दो से तीन, और उसमें तकरीबन 1 लेमन बस, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया या फिर चाट मसाला डाल दिया। उसके बाद मैं ले रहा था ग्रीन टी, तकरीबन 4 बजे के करीब ग्रीन टी ले रहा था। और उसके बाद तकरीबन रात में मैं चिकन ले रहा था, चिकन को तकरीबन कोई 150 ग्राम चिकन, और उसमें ये था कि उसको बॉयल वगैरह करके और ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करके नमक डाल के वो ले रहा था। उसके बाद रात को फिर जो है सोते वक्त मैं एक तो वॉक करता था प्रॉपर, और उसके बाद मेरी एक्सरसाइज भी थी, रनिंग भी थी, तो इस वजह से जो है ना वेट कम हुआ। फ्रूट और दूध किस टाइम था? दूध तो नहीं था लास्ट में, अभी आगे मैंने शुरू किया दूध। वैसे कोई प्रॉपर ये पहले डाइट में दूध शामिल नहीं था, बस ये था कि अगर कभी मैंने सैलड नहीं खाया तो उसमें अगर एक सेब मैं खा लेता था, ठीक है। और दूध भी अब आके शुरू किया? दूध अभी शुरू किया है रात में, मतलब जो चिकन को हटा के कुछ दो वीक गुजरे हैं, चिकन को हटा के मैंने 1 गिलास दूध और उसमें 2 खजूर, दो खजूरें, ठीक हो क्या? और रोटी चावल मुकम्मल तो आपने छोड़े रखे? बिल्कुल खत्म। तो कोई वीकनेस वगैरह नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई वीकनेस, तो बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि प्रोटीन कंट्रोल थी मेरे ख्याल में। मैं कहता हूँ कि जब प्रोटीन का इशू बनता है ऊपर नीचे तो कार्ब्स के साथ, तो तब मेरे ख्याल में कमज़ोरी होती है, लेकिन कमज़ोरी कुछ नहीं हुई। हालांकि मैं तकरीबन 1.5 घंटा क्रिकेट मैच भी खेल रहा था और 1.25 घंटा तकरीबन मैं अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा था। तकरीबन अगर डेली बेसिस के देखा जाए तो तकरीबन 2-2.5 घंटे का वर्कआउट था मेरा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कमज़ोरी नहीं, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है।
ठीक हो गया और एक ही डाइट प्लान था आपका पूरे 9 वीक्स में? एक ही डाइट प्लान, एक ही डाइट प्लान था, मतलब उसमें से 2 वीक्स जो थे तकरीबन जो था उसमें मैम 7वां हफ्ता और 8वां, इन 2 हफ्तों में मैंने चिकन को रात में हटा के मैंने जस्ट दूध और खजूर 2-3 दाने खाए थे। और उससे पे वेट स्टक हुआ या वेट स्टक नहीं हुआ? उससे ये हुआ कि जिस रफ्तार से या जिस स्पीड से जो पहले वेट कम हो रहा था वो स्लो हो गया। खजूर और दूध नाश्ते में लेके जाएं, सही मतलब दूध, एक तो ये कि दूध रोटी चावल छोड़ने नहीं है, जैसे आप लोगों ने हारिस का डाइट प्लान देखा था तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करती चलूँ। प्री ब्रेकफास्ट में तुख मलंगा नहीं आना चाहिए आपके केस में, चिया सीड्स निस्पतन बेहतर रहेंगे। इस्पोगोल, लीमू, चिया सीड्स, मतलब तुख मलंगा, ये 3 चीज़ें इकट्ठी नहीं लेनी, सिर्फ चिया सीड्स लें। उसके बाद जो आपका नाश्ता होगा, एग वाइट काफ़ी नहीं है, सारी गजाइत एग योक में है। तो दूध या 2 दूध और 2 खजूरें या दूध और अंडा जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में लेकर जाएं। दूध नहीं छोड़ना बच्चे, दूध नहीं छोड़ना। उसके बाद 10-11 बजे फ्रूट ज़रूरी है, ये नहीं कि सैलेड नहीं खाया तो मैंने फ्रूट खा लिया, एक फ्रूट खाएं, केला, आम, अंगूर माने, उसके अलावा कोई फ्रूट खा लें। फिर दोपहर के खाने में सैलेड है तो उसको कम्प्लीट मील बनाएं, उसमें चने डाल दें या कॉर्न डाल दें या लोबिया डाल दें। उसके बाद शाम को 4-5 बजे चले ग्रीन टी ले ली। रोटी चावल अगर आपने छोड़े हुए हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगी एकदम रोटी चावल ऐड करें, क्योंकि अब आप एकदम रोटी चावल ऐड करेंगे तो वेट बाउंस बैक करेगा। आहिस्ता आहिस्ता दालों से शुरू करें, जैसे मैंने बताया चने वगैरह ऐड करें, और रात के खाने में फिर चिकन वगैरह रखें, या आई वुड सजेस्ट कि हफ्ते में एक दफ़ा रोटी ज़रूर शुरू करके देखें कि वेट कैसे, अब आप सेटिस्फाइड हैं अपने वेट के साथ? बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ मैम, अभी भी कम करना है। अभी तकरीबन 10 kg मोर। हाइट कितनी है आपकी? हाइट तकरीबन 5'8" 5'9" 5'8" 5'9" पे आइडियल बॉडी वेट 65-68 के दरमियान रखता है। आप 10 kg और रिड्यूस करना चाहते हैं? 10 kg और जैसे आप सजेस्ट करेंगी वैसे कर लेंगे। आई गेस 5 किलो और काफ़ी है। हाँ, 5 किलो और फिजिकल एक्टिविटी में भी गलती आ रही है, वो ये आ रही है कि खाने के बाद कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि फिर आपकी एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है ना। जब आप खाली पेट फिजिकल एक्टिविटी करोगे, बॉडी के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, उसकी मजबूरी है कि वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करे। मैम, जो मैं चिकन ले रहा था रात में, जब मेरी जो मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो चिकन लेने से पहले की। हाँ, फिर ठीक है, उसके बाद मैं 20 मिनट वॉक करता। जबरदस्त, चिकन लेने के बाद वॉक करते थे, वो इस स्पीड पे करनी है कि आपकी हार्ट बीट तेज ना हो, तो चलें लेकिन आहिस्ता, चहलकदमी करनी है, डिनर से पहले फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपने अपनी। बाकी रोटी मैं आपको सजेस्ट करूंगी हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर शुरू करें, या दोपहर में या रात में, ताकि बॉडी को रोटी की आदत रहे आसे, वरना एकदम जब आप रोटी शुरू करोगे जितना रिड्यूस किया वो सारा का सारा बाउंस बैक कर जाएगा। लकीली आपको कोई इस पर मतलब वीकनेस वगैरह नहीं हुई, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि इनको वीकनेस कोई नहीं हुई, वरना इस डाइट प्लान पे यूजली वीकनेस होनी चाहिए, हो जाती है, होनी भी चाहिए थी। ये डाइट प्लान कहाँ देखा था आपने? ये डाइट प्लान मतलब मुख्तलिफ जो वैसे तो आपकी वीडियोस देखी थी मैंने, लेकिन ये नहीं है कि मैंने प्रॉपर आपकी ही वो मतलब फॉलो की है वीडियोस, मतलब डाइट के हवाले से, मतलब कभी यूट्यूब पे सर्च कर लिया, कभी किसी की डाइट उठा ली, कभी किसी की डाइट उठा ली, तो उसमें से पिक कर करके ही मतलब जो है ना मैंने। हाँ, ये ज़्यादा वो ट्रेनर्स वाला, क्योंकि अक्सर ट्रेनर्स इस तरह के डाइट प्लान देते होते हैं, न्यूट्रिशंस ऐसे डाइट प्लान नहीं देते होते। बहरहाल अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब आप शेप में आ गए हो, एंड चलो आपने क्रैश डाइट ही की, मगर क्रैश डाइट करके एक तो वीकनेस नहीं हुई, आपने अपना स्टेमिना जो है उसके साथ अच्छा रखा, दूसरा ये कि आपने अपना गोल जो है वो अचीव किया। चलो 5 kg तो पता भी नहीं चलेगा, जहाँ 9 वीक्स में 26 किलो कम कर लिया है, वहाँ 5 किलो का तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो मोटिवेशन इस वक्त कितनी है? मोटिवेशन बहुत है मैम, मोटिवेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया, वो कमेंट्स की वजह से, ये मेरे वाला ही हाल है, कमेंट्स कर करके लोग। मैं कहता हूँ कि अच्छा एक चीज़ है कि कमेंट्स मेन चीज़ है। हाँ, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं वेट गेन कर रही हूँ, मतलब अब जिसने कमेंट करना है, अब मेरे इंस्टाग्राम को खोलो ना तो उस पर लोग सुक्की तो चूजा तो पता नहीं क्या लिख जाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं वेट गेन कर रही हूँ। अब मैंने ऑल दो मैं कमेंट से तंग आके कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने किसी की परवाह नहीं करनी। आप लोगों ने जो लिखना है हेट कॉमेंट्स, मैं हैरान हूँ आप लोगों के दिल में इतनी नफरत आती कहाँ से है, कैसे बंदे के लिए जिसको आप जानते भी नहीं है, आप लोग मुझे जानते भी नहीं है, इतनी नफरत होती है आप लोगों के दिल में कि आप लोग कमेंट भी कर जाते हैं। लेकिन खैर, अब आसिफ ने ये देखा है कि लोगों ने हर हाल में कमेंट करना है, आप बहुत पतले हो जाओगे ना, देखते हैं लोग आके पूछेंगे इसको शुगर तो नहीं हो गई, इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई। मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अच्छा, मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारे जो मुझे कोई 2-3 महीने बाद मिल रहे हैं, कोई लाहौर में, कोई मुल्तान में, कहाँ से, कोई कराची से, तो वो कहते हैं, अभी जो मुझे लास्ट टाइम एक दोस्त मिला है, नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो कहते हैं आसिफ तू ठीक तो है,
तू कमजोर हो गया है। अब वही बंदा था यार कमजोर। अब वही मैम, अब वही बंदा था जो मुझे कहता था यार बहुत मोटे हो गए हो, यार वेट कम करो, ये करो। अब मैंने कम कर लिया है तो कहते हैं कि बहुत कमजोर हो गया। तो खैर तो है, ठीक तो, बीमारी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले, मगर अच्छा है कि आपने कमेंट्स को दिमाग पे सवार करने की बजाय, जैसे मेरे केस में था, मेरे हर वक्त दिमाग में चलता रहता था, दिमाग पे सवार करने की बजाय आपने उसको मोटिवेशन के तौर पे लिया। और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं, मुझे लगता है लड़कों में ना हौसला ज्यादा होता है, हम लड़कियां दिल पे ले जाती हैं बात, मुझे ये लगता है हम लड़कियां जो है ना ज्यादा दिमाग पे उसको सवार करके परेशान हो जाती है। मोटिवेशन से ज्यादा हमें वो चीज जो है ना बग करती है शायद। वो औरतों में होता है ये थोड़ा सा फैक्टर, मर्दों में इतना नहीं होता। अच्छी बात है कि आसिफ ने उसको जरा पॉजिटिवली लिया और उसको बड़ा अच्छे तरीके से उसका एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आया। मैं इस डाइट पे इंकरेज किसी को नहीं करूंगी। आसिफ ने हमें अप्रोच किया कि मैंने अपनी स्टोरी शेयर करनी है, स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की। जो आसिफ की उम्र के लड़के हैं, करना चाहें कर लें, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। न्यूट्रिशंस वाला डाइट प्लान नहीं था, ये ट्रेनर्स वाला डाइट प्लान था। बट जैसे आसिफ ने बताया, उन्हें कोई कमज़ोरी फील नहीं हुई। 22 साल के हैं। एक और चीज़, आप तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि आपके यूट्यूब चैनल पे तो हमने देखा है कि लोग जो हैं वो महीने में 12 किलो कम कर लेते हैं। हम वही देख के आए थे। ख़वातीन और मर्दों के वेट लॉस की प्रोग्रेस में फ़र्क होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लड़के ज़रा तेज़ी से रिड्यूस करते हैं, लड़कियां निस्बतन आहिस्ता रिड्यूस करती हैं, लेकिन कर सकती हैं। मेरी एक पेशेंट है, उन्होंने 10 केजीज भी रिड्यूस किया विद इन अ मंथ, लेकिन फीमेल टेस्टिमोनियल शेयर नहीं करती। मिराल ने किया था, आपने देखा था, उन्होंने 5 to 6 केजीज रिड्यूस किया था विद इन अ वीक। तो खवातीन भी कर लेती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली सब खवातीन जो हैं वो अपनी स्टोरी शेयर नहीं करती। इस स्टोरी को आप मोटिवेशन ज़रूर बना सकते हैं। अगर आप भी लोगों के कमेंट से तंग हैं तो आपको भी वेट लॉस अपना स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी लेट नहीं होता, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना चाहिए। आसिफ को मैसेज जो आप देना चाहें, मैसेज एक तो सबसे पहले डेडिकेशन है मैम, जो मैं देना चाहता हूँ अपनी फैमिली को। अच्छा। खासतौर पर जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैम मैं ये आपको एक स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी, अपनी बाजी और अम्मी की। तो वो मतलब काफ़ी मेरे लिए मोटिवेशन साबित हुई, काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने मुझे। मतलब ये था है ना कि मेरी डाइट को 3रा दिन था मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उनको भी नहीं पता ये, मेरी डाइट का 3रा दिन था और उन्होंने मुझे कहा कि आसिफ आज काफ़ी फ़र्क है आप में वेट में। तो हालांकि मुझे पता था कोई फ़र्क नहीं है 3 दिन में। आप ठीक है, हालांकि आपको पता था आपको कोई फ़र्क नहीं। हालांकि मैम मुझे पता था कि 3 दिन में क्या फ़र्क पड़ रहा था, कोई फ़र्क भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया रोज़, मतलब डेली बेसिस पे कि कम हो रहा है कम हो रहा है। तो एक मुझे ये काफ़ी हिम्मत मिली। दूसरी डेडिकेशन होगी, मैं अपनी कज़न को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ग्रीन टी टाइम पे बना के दी, जो जो मुझे चाहिए होता था मुझे टाइम पे अवेल करती थी। बिल्कुल। और अक्सर मैंने ये देखा है ख़वातीन का ये मसला होता है, जब वो मेरे पास आके आती है ना, वो आके कहती है हमें तो सारे कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है, 5 किलो कम हुआ होता है, 6 किलो कम हुआ होता है, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें डिस्करेज करी होती है। स्पेसिफिकली उनके हस्बैंड्स उन्हें कह रहे होते हैं हमें तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तुमने तो ऐसे ही रहना, वो आके मुझे बता रही होती हैं। अगर आप मोटिवेट नहीं ना कर सकते, एटलीस्ट चुप कर जाएं फिर, मतलब डिस्करेज ना करें किसी को। ठीक है, आप में इतना हौसला नहीं है कि आप किसी को मोटिवेट कर सकें, लेकिन एटलीस्ट किसी को डिस्करेज भी मत करें, चुप कर जाएं। और मोटिवेशन के आपने रिजल्ट्स देख लिए, अगर आप किसी को कोई फ़र्क नहीं, आप उसको सिर्फ देख के कह देते हो ना कि तुम बड़े शेप में लग रहे हो, तुम बहुत बेहतर लग रहे हो, उसका हिम्मत हौसला ही बढ़ जाता है, उसकी मोटिवेशन ही बढ़ जाती है। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को मोटिवेटेड रखें, नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करें, जैसे कि मैं आजकल कर रही हूँ आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स को, और जो अच्छे कमेंट करते हैं उनको यकीनन मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। सो नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया बहुत बहुत।